ऑक्सीजन का लंगर प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जीवन बचाओ अभियान की शुरुआत आज माँ बाला सुंदरी मंदिर छोटेवाला से की गई, जिसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है। नंबर एक, वर्ष में 1,00,000 पेड़ लगाना। दूसरा लक्ष्य, लगाए गए पेड़ को गोद लेना। तीसरा लक्ष्य, पेड़ को काटने से बचाने के लिए प्रयासरत रहना। दिनांक 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ऑक्सीजन के लंगर के तहत ग्राम छोटूवाला के माता बाला सुंदरी मंदिर परिसर में प्रातः 10 बजे से वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें आज से वर्ष भर पेड़ लगाने एवं बचाने का संकल्प लिया गया। आज लगाए गए पेड़ों को गांव के छोटे बच्चों को गोद दिया गया एवं जिस बच्चे का पेड़ 6 माह में सबसे बढ़िया होगा उसके ट्रस्ट अपने सहयोगी रोमी बजाज जी के सौजन्य से पुरस्कृत भी करेगी। आज इस अवसर पर पूर्व सैनिकों मातृ शक्तियों का आशीर्वाद ट्रस्ट को मिला। इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष गिरीश डालाकोटी, ट्रस्टी भूपेंद्र डोगरा, चंद्रशेखर, रोहित चौहान, आजीवन सदस्य जोगिंदर सिंह आदि के साथ नरेंद्र तोमर, धर्मपाल, संदीप चौहान, अरुण चौहान, अतुल, जोगिंदर चौहान, संजय चौहान, रोहित, मगन सिंह, श्रीमती संतोष, इंदिरा चौहान, सपना चौहान, बबीता चौहान, सुमन चौहान, गीता चौहान, दीपिका, सोनाली आदि जिन बच्चों ने भाग लिया वो पलक चौहान, पलक, आरोही, वैभव, अन्य, अथर्वी, नव्या आदि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। निवेदक प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट पंजीकृत। पचदून विकास नगर से डीसीबी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हम एक ऑलरेडी मुहिम चला रहे हैं ऑक्सीजन का लंगर। भीषण गर्मी पड़ रही है, पचवादून का टेम्परेचर जो है 43 डिग्री पहुंच गया। समाज सेवी को बड़ी चिंता थी, लेकिन वो चिंता सिर्फ फेसबुक तक थी। हमारा कहना है वो चिंता फेसबुक से निकल के धरातल पे आनी चाहिए। हम रोमी भाई का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे साथ जुड़ने का प्रयास किया। आज यहाँ पे हमने 6 वृक्ष लगवाए और वो 6 वृक्ष 6 बच्चों को गोद दिए जाएंगे। वो जिस बच्चे ने सबसे अच्छा वृक्ष किया जाएगा रोमी बजाज जी की तरफ से, उसे एक प्रोत्साहन राशि 6 महीने के बाद दी जाएगी। हमारा कहना यह है कि वृक्ष लगाने हैं और एक वृक्ष को बड़ा होने में 5 से 6 साल लगते हैं, इसलिए पेड़ बचाने भी हैं। जो ऑलरेडी लगे हुए हैं वो कटने से बचाने हैं। तो जो भूमाफिया उसको काटने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें हमारा संदेश है, उसे ना काटें। उनके लिए अन्यत्र प्रयास किए जाएंगे, क्या हो सकता है। खुशी की बात है, आज पर्यावरण दिवस है और बच्चों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। हमारा कहना यह है जिन बच्चों ने वृक्षारोपण किया है उसको देखभाल रखें, उसको समय समय पर पानी मिलता रहे और जो जहाँ पर हमारी उस पर सहायता चाहिए हम उसमें देंगे। और 6 महीने का जब जो पेड़ सबसे ज़्यादा फल फूल होगा उस बच्चे को हम रोजाना चीज देंगे, अगर उससे जो भी होगा वो देखते हैं। क्या मानते हैं कि आने वाली पीढ़ी को जो है ऐसे प्रोत्साहित करके जो है पर्यावरण को बचाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, ऐसे कार्यक्रम चलते रहने चाहिए, तभी आने वाली पीढ़ी का फायदा भी होगा और पर्यावरण के प्रति उनका प्रेम जगेगा।